मेरठ के जिला अस्पताल में जार में बंद जहरीले सांप और उसके पास ही इस सांप को काट जाने का इलाज कराने आई महिला को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। आपको बताते चले कि संभल के गांव शाहपुर निवासी एक महिला अपने खेत में काम कर रही थी, इसी दौरान उसको जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन महिला को मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर सांप के काटने का कोई इलाज नहीं था। वहीं मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर ने महिला का इलाज शुरू किया और उसका इंजेक्शन लगाया। इसके बाद महिला की हालत में सुधार है। कल लगभग आधी रात के बाद मेहजबीन नामक एक महिला, जिसको किसी सांप से काटा हुआ बताया गया, उसको उसके पति ने इस्लाम नवीन ने यहाँ पर लाए सांप के साथ। ठीक है, महिला का उपचार किया जा रहा है। सांप की सूचना हमने वन विभाग को दे दी है, राष्ट्रीय संपत्ति है। वन विभाग वाले अपने समय पे भी आए हैं और वो ले गए। अब कैसी स्थिति है उस महिला की? महिला की स्थिति डॉक्टर ने देख लिया है, नाइट में हमारी ड्यूटी नहीं थी, फिजिशियन साहब ने देख लिया है, उनके वाइटल्स नॉर्मल हैं।